सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है। यह एक बहुत अद्भुत चुनौती है। हम सबको मिलकर साहस के साथ, सहनशीलता के साथ, धैर्य के साथ और धीरज के साथ इसका सामना करना है। आपने सही कहा कि आयरलैंड में भारतीय कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा है, वो परेशानी में है। जब से ट्रैवल बैन हुआ है, कई लोग वापस घर नहीं जा पा रहे हैं। हम उनकी परेशानी समझते हैं और उनकी स्थिति से पूरी तरह से सहानुभूति प्रकट करते हैं। उनकी मदद के लिए एम्बेसी ने कोई विशेष मेजर्स लिए हैं। हमने 24/7 हेल्पलाइन खोल दी हैं। हम अपडेटेड एडवाइजरीज स्थापित कर रहे हैं। हमने पार्टनरशिप्स करी हैं गुरुद्वारा के साथ, रिलीजियस बॉडीज के साथ, इंडियन एसोसिएशंस के साथ, जिससे कि फ्री डिलीवरी हो सके मेडिसिंस की, खाने की और आवश्यकताओं की। और हमने एक और मेजर किया है जो थोड़ा अद्भुत है। हमने कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स इस्टेब्लिश करे हैं डबलिन में और शहरों में भी, जैसे कि लिमरिक है, गॉलवे, कॉर्क, वाटरफोर्ड, एथलॉन। और इसमें जो लोग शामिल हैं वो कई प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं सबको, मेडिसिंस अरेंज कर रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में एडवाइस कर रहे हैं, उसमें और प्रोफेशंस हैं, बिजनेस पीपल हैं जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को एडवाइस कर रहे हैं, फैकल्टी यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के इश्यूज को डील कर रहे हैं। आजकल आयरलैंड और इंडिया दोनों ही लॉकडाउन कंडीशंस में हैं, पर आयरलैंड में चुनौतियां मेरे हिसाब से रिलेटिवली कम हैं, क्योंकि आयरलैंड में हम लोग अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाहर निकल सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। हम सुपरमार्केट्स जा सकते हैं एसेंशियल सर्विसेज के लिए, फार्मेसीज जा सकते हैं मेडिसिंस लेने के लिए, और इसके अलावा ऑफिसेज में काम है उसके लिए भी हम बाहर निकल सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लिमिटेड फैशन में चालू है, जैसे कि एम्बेसी के लोग भी हमारे एम्बेसी आ रहे हैं लिमिटेड एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो मेरा कहना है कि चुनौतियों के बावजूद जो लॉकडाउन के समय हैं, कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप फिर भी पूरी तरह से इफेक्टिव हैं, जैसे प्रैक्टिकल है पूरी मदद कर रही हैं। आयरलैंड में करीब 5,000 स्टूडेंट्स हैं। इनमें से कई लोग वापस इंडिया लौट गए हैं क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अब ऑनलाइन चली गई हैं, पर काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी आयरलैंड में हैं। हम उनकी परेशानी समझ सकते हैं, वो कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं, उनमें एंग्जाइटी है, कई लोग आइसोलेशन फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में भी आ रहे हैं। हम पूरी मदद कर रहे हैं कि उनका ये डिप्रेशन फेज़ चला जाए। स्टूडेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इंडियन कम्युनिटी के। हमने काफ़ी सपोर्ट सिस्टम्स उनके लिए इस्टेब्लिश करे हैं। मैंने खुद वेबिनार और फेसबुक लाइव के मीडियम से उनसे बातचीत करी है, उनके हम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन करते हैं। हमने एम्बेसी की तरफ से वर्चुअल फिल्म्स, वर्चुअल योगा, डांस और मेडिटेशन सेशंस भी स्टार्ट करे हैं। मैंने खुद सारे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से बात करी है, उन्होंने हमें समझाया है कि किस तरह उन्होंने रोबस्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें अकोमोडेशन के एस्पेक्ट्स डील करे जा रहे हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और मेडिकल सर्विसेज, काउंसलिंग, गाइडेंस वगैरह सब देखा जा रहा है। हमने उसको भी काफ़ी अच्छी तरह से एडवर्टाइज करा हुआ है। हमारी एम्बेसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी ये तसल्ली दिलाने के लिए कि हम लोग अकेले नहीं हैं। हम लोगों का हर सिटीज़ में इंडियन ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं, जो अपना सर्विस ऑफर कर रहे हैं टू एनीवन हू इज़ इन एनी हेल्थ प्रॉब्लम, या तो स्टूडेंट्स को कोई अगर प्रॉब्लम है वो लोग कोई भी आके अपना क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हमारे जो एम्बेसडर है वो कॉन्स्टेंटली हम लोगों को अपडेट कर रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है, वो लाइव भी कर रहे हैं ताकि किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लाइव में पूछ सकते हैं। मैं इंडियन एम्बेसी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो ऐसे कठिन समय में हमारे साथ खड़े हुए हैं और हर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को कम से कम मुसीबत का सामना करना पड़े।
उन्होंने पूरी इंडियन कम्युनिटी को यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स के थ्रू। और हमारे ऑनरेबल एम्बेसडर संदीप कुमार जी हम लोग को हर कुछ दिनों में सोशल मीडिया के थ्रू अपडेट्स देते रहते हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक है। मेरा बेटा तन्मय नाथ ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ डबलिन में पढ़ता है, आयरलैंड में, और लॉकडाउन के पहले थे वो वहीं हैं, इंडिया वापस नहीं आ पाया। हमें यहाँ उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, बट जब हमें पता चला जिस तरह का सपोर्ट उसको वहाँ इंडियन एम्बेसी से, कॉलेज से और इंडियन कम्युनिटी जो है वहाँ पर उनसे मिल रहा है, तो हमें बहुत ही दिल में संतुष्टि हुई। और हम मिस्टर एम्बेसडर मिस्टर संदीप कुमार का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहेंगे। मैं एक अपील करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए भी, और वो है कि मैं समझ सकता हूँ कि आपकी बेटियाँ और बेटे बाहर हैं देश से, आप इनकी वजह से परेशान हैं, कठिनाई में हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं, पूरी एम्बेसी उनके साथ है, पूरी कम्युनिटी उनके साथ है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जैसे ही फ्लाइट्स शुरू हों हम उन्हें एज प्रैक्टिकल प्रायोरिटी देंगे वापस घर लौटने के लिए, और जब तक वो नहीं लौट पाते हैं हम पूरी सुविधाएं देंगे उन्हें, हम सारे सपोर्ट सिस्टम्स यहाँ एक्टिवेट करेंगे जिससे कि उनकी पूरी तरह से मदद हो सके। आप लोगों ने, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने अब तक बहुत सहनशीलता और साहस से काम लिया है, मैं उसकी कदर करता हूँ। मैं सच्चे दिल से आप सबको धन्यवाद करता हूँ। हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। Together we shall prevail 100%. ABP News, आपको रखे आगे।